बटिंडी और सुंजमा के मेरे भाइयों, तुम्हारी जमीन इल्लीगल है, तुम्हारे पास कागज नहीं है, तुम्हारी जमीन इल्लीगल है, तुम्हारे पास कागज नहीं है, अरे मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, अरे मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, निकालो, मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, की जा रही है। और यहाँ पर जिंदाबाद चीफ सेक्रेटरी के नाम के जो है नारे भी लगाए जा रहे हैं, कार्रवाई पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। उपराज्यपाल के निर्देश के अनुसार कि जितने भी स्टेट है और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े 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 बिजनेसमैन हैं, मजदूरदार लोग हैं, उनसे जमीनें खाली करवाने का काम जो है वो सरकार निकालो। हर एक पार्टी का बड़ा बड़ा मछला मगरमच्छ, क्या वो आदूज वाला है, क्या वो बाकी लोग हैं, सबको पटक करके रख दिया चीफ सेक्रेटरी और श्रीमान सिन्हा साहब ने। अब जो लोग ये बातें करने का प्रयास करना चाहते थे, छोटे छोटे घरों के ऊपर जा करके हमला होगा, छोटे गरीबों को तंग करेंगे, एक गरीब का नाम बताओ जिसको तंग करने का प्रयास हुआ है। लेकिन बटिंडी वालों से कहना चाहता हूँ, सुंजमा वालों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जमीन पर नजायज कब्जा है, लेकिन उसके लिए श्रीमान एल जी महोदय और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है छोटों को हाथ नहीं लगाएंगे, बड़ों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कुछ लोगों के माध्यम से जम्मू बंद की बात, अरे जम्मू बंद क्या होता है, कौन करने वाला है, वो माफिया इंक्रोचमेंट करने वाले मगरमच्छ, उनके लिए जम्मू के लोग आंसू बहाएंगे, ये किसी खाबो ख्याल के अंदर नहीं रखना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ न्यू पलार से उठ करके वहाँ गए, इस तरह की बातें करके हम उन लोगों के काज को खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। एक इन बड़ी मगरमच्छ नहीं बचने वाला कोई भी है, अक्रॉस फ्रॉम द पार्टी, उनको चाहे बीजेपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे और कोई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उनको उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना होगा जो भू माफिया के अंदर शामिल है। अरे कोई ज़मीन की लिमिट है, 35,000 लाख कनाल कहते हैं गरीबों की सेवा कर रहे हैं, सियासत के अंदर आकर के अपनी सेवा करी, अपने बच्चों की सेवा करी, यही मैंने बाहर निकाला था ना उस दिन जब यहाँ प्रोटेस्ट करा था। ये बड़े बड़े मगरमच्छ किसी रूप के अंदर भी हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर है, पीडीपी के अंदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, इवन बीजेपी के अंदर भी कह रहा हूँ मैं, उनको पार्टी से बाहर करने का हमको प्रयास करना होगा, पार्टी से निष्कासित करना होगा, प्राइमरी मेंबरशिप से बाहर करना होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि बड़े मगरमच्छ अब बचने वाले नहीं हैं, लेकिन बटिंडी और सुंजमा के मेरे भाइयों, तुम्हारी जमीन इल्लीगल है, तुम्हारे पास कागज नहीं है, उसके लिए प्रोटेस्ट करके, उसके लिए जुलूस निकाल करके, उसके लिए एलजी मुर्दाबाद के नारे लगा करके और सियासतदानों के हाथों के अंदर खेल करके आप अपने केस को खराब करने का प्रयास करना चाहते हो। अगर आपने अपने केस को बचाना है तो कृपा करके एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करो जो एलजी साहब ने कहा है, छोटों को छेड़ेंगे नहीं लेकिन बड़ों को छोड़ेंगे नहीं। और मैं जो पार्टी सत्ता के अंदर है, जो पार्टी विरोध के अंदर है, अगर तमाम लोग शामिल हो गए हैं तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज श्रीमान एलजी साहब की कोई तो आया मेरे भाई, कोई तो आया, अरे कोई तो आया जम्मू कश्मीर के अंदर, 370 टूटने के बाद आज ये पहली कार्रवाई हो पाई क्योंकि 370 समाप्त कर दी गई, तब मगरमच्छों को पकड़ करके बाहर निकाला गया, आज मैं इनकी आरती उतार रहा हूँ। अरे कोई तो यहाँ आया जिसने मगरमच्छों को पकड़ करके बर्फ फेंकने का प्रयास करा है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ
अब बारी राजनीतिक पार्टियों की है, आज उनको तय करना होगा। उनके अंदर बैठे हुए मगरमच्छ, उनके अंदर बैठे हुए मछलियाँ, उनके अंदर बैठे हुए अबू माफिया, उनके अंदर बैठे हुए चोर, उनके अंदर बैठे हुए डाकू। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी जो दिल्ली के अंदर है, जम्मू के अंदर है, उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह 16.9 कनाल, 26 कनाल, 70 कनाल, 100 कनाल, अभी 300 कनाल वाला बाकी है। अभी श्रीनगर के अंदर और मेरी 153 कनाल ज़मीन अलाटमेंट 110 कह रहे, 153 बाकी खाली हो गई। हमारी 1835 है, हमको अलाटमेंट है, तुम्हारी अलाटमेंट ज़्यादा ज़मीन पर है तो बाकी लोग क्या करने का प्रयास करेंगे। लेकिन माननीय एल जी महोदय, जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदुस्तान की जनता, ये जो जैसे योगी ने बुलडोजर चलाया, अब आपने बुलडोजर चला करके साबित कर दिया, इसलिए आगे बढ़ो, रुकना नहीं, स्पीड तेज कर दो।